Welcome to 21 days lockdown fitness video. मैं हूं विनायक सिन्हा. I am an actor and a fitness enthusiast. Well, आज day 18 है और आखिरी के सिर्फ 3 दिन बचे हैं. और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर अभी तक आपने 100% दिया है तो next 3 दिन भी आप 100% definitely दोगे. वैसे आज lockdown का भी day 18 है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि lockdown हटने वाला है. But anyway, फिर भी हम अपने fitness पे ध्यान देते रहेंगे. So, आज लेवल 3 में हम करने वाले हैं चेस्ट, शोल्डर और कार्डियो. लेकिन चेस्ट और शोल्डर के हम जितने भी एक्सरसाइजेस आज करेंगे वो सारे करने वाले हैं 5 सेट और जो नंबर ऑफ काउंट्स होगा वो होगा 20 काउंट्स ईच. आज हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ करनी है क्योंकि ये लेवल 3 चल रहा है. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वर्कआउट. सो लेट्स स्टार्ट विद चेस्ट वर्कआउट. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी आवाज थोड़ी कम आएगी क्योंकि मैंने माइक निकाल लिया है. बिकॉज आई हैड अ वायर्ड माइक. अब मैं वायर्ड माइक लगा के वर्कआउट नहीं कर सकता हूँ और वायरलेस माइक लेने में बाहर में जा नहीं सकता हूँ क्योंकि जैसा कि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है. बट आई विल बी लाउड ताकि आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे. वेल, सबसे पहले हम करेंगे इंक्लाइन चेस्ट प्रेस. उसमें हमें इस चेयर की जरूरत है और आज हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो सारे एक्सरसाइज हम करेंगे 5 सेट और जो नंबर ऑफ काउंट्स होगा वो होगा 20 काउंट्स ईच. सो लेट्स स्टार्ट. इसकी ग्रिपिंग साइड में होगी चेयर के. इंक्लाइन पोजिशन आपका रहेगा एंड यू हैव टू गो डाउन. 1, 2, 3, 4, 5. जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे बेंच प्रेस. लेकिन घर में बेंच प्रेस है नहीं तो हम फ्लोर पे करेंगे और मेरे पास मैट ही नहीं इसलिए मैं बेडशीट इस्तेमाल कर रहा हूं और वेट के बदले हम लोग लेवल 2 और लेवल 3 में ये ट्रैवल बैग इस्तेमाल कर रहे हैं. तो बेंच प्रेस में हमें फ्लोर पे लेट जाना. मैं आपको दिखाता हूं. स्ट्रेट आप लेट जाइए. स्ट्रेट ऊपर लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो इंक्लाइन बेंच प्रेस करेंगे. फ्लोर पे ही करेंगे. अब इंक्लाइन मूवमेंट देने के लिए हमें एक पिलो की जरूरत है. इस पिलो को अपने बैक के नीचे रखेंगे और बैक को रेस्ट करेंगे तो जो पोजीशन होगा हमारे बैक का वो इस तरीके का इंक्लाइन हो जाएगा. लेट्स डू इट. ये मैंने पीछे रखा बैक के पास. आपको बैक को रेस्ट करना है. इसे लुक एट दिस. थोड़ा सा और पीछे हो जाइए आप. ये पोजीशन है. बैक रेस्ट हो गया. इंक्लाइन फॉर्म में हो गया. 1, 2, 3, 4. अब जो चेस्ट के लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो अपने चेस्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए करेंगे. उसे हमें हेवी बुक या नॉवेल की जरूरत पड़ेगी. इसकी ग्रिपिंग देख लीजिए. कुछ इस तरीके की ग्रिपिंग होगी ये वाली. आपको स्ट्रेट सामने की तरफ लेना और चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है. 1, 2, 3. मैं आपको प्रोफाइल में दिखा दू. 1, 2, 3. लेट्स स्टार्ट विद शोल्डर वर्कआउट. सबसे पहले हमें करना है शोल्डर प्रेस. चेयर में आराम से बैठ जाइए. ये ट्रैवल बैग की हमें जरूरत पड़ेगी जिसको हमको ऊपर की तरफ पुश करना है इस तरीके से. 1, 2, 3, 4. अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शोल्डर के लिए करेंगे वो फ्रंट रेस करेंगे. उसमें हमें ट्रैवल बैग की जरूरत है और उसमें हमें बड़े वाले स्ट्रैप को अटैच करना पड़ेगा. ये वाले स्ट्रैप को पहले इसको आप कॉर्नर में दोनों कॉर्नर में बैलेंस कर लीजिए कुछ इस तरीके से. ये देखिए ये आपका बैलेंस हो गया. अब इसकी जो ग्रिपिंग है ये ग्रिपिंग इसकी ऐसे हो जाएगी. आपने ऐसे पकड़ा लेकिन इसको आपको ऐसे पकड़ना है. ये देखिए. 1, 2, 3. मैं प्रोफाइल में आपको दिखा दूं. 1, 2, 3. अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शोल्डर के लिए करेंगे वो शक्स करेंगे. उसके लिए आपको ये हैंडल को पकड़ना है. इसके एकदम टॉप में पकड़ लीजिए. इस तरह की ग्रिपिंग होगी इसकी. आपको शोल्डर को उठाना है. वेल, चेस्ट और शोल्डर्स के बाद हम करेंगे कार्डियो. कार्डियो में वही सेम फॉर्मूला है. कल से आपको 200 काउंट्स ज्यादा करना है. फॉर एग्जांपल, अगर कल आपने 1000 काउंट्स किया था तो आज आप 1200 काउंट्स मिनिमम आपको करना ही करना है. अगर आप उससे ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. दैट डिपेंड्स अपॉन योर एंड्योरेंस लेवल.
वेल दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज फॉर ऑल द न्यू व्यूअर्स. अगर आप डायरेक्टली डे 15th या 16th को वीडियो को देख रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक 21 डेज का वर्कआउट वेट लॉस प्लान है. तो अगर आप वाकई में वेट लूज करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस सीरीज के डे 1 से आप वीडियो को देखना शुरू करें, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हम डे बाय डे किस तरीके की वर्कआउट कर रहे हैं और डे बाय डे हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं. फिटनेस टिप्स ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे हाउ टू स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम. देखिए आज के डेट में COVID-19 जो कि चल रहा है हर जगह, इस डेट में इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. तो जो सबसे पहला पॉइंट है, क्विट स्मोकिंग. देखिए एनी वे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो अभी स्मोकिंग को कम्प्लीटली क्विट कर दें. उसी के साथ साथ एड मोर एंड मोर वेजीज एंड फ्रूट्स इन योर डाइट. नेक्स्ट है एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस. देखिए हफ्ते में 5 दिन कम से कम एक्सरसाइज रेगुलर करें. उसी के साथ मेंटेन हेल्दी वेट, यानी ना वेट ज़्यादा हो ना कम हो, एक हेल्दी वेट को मेंटेन करने की कोशिश करें. उसी के साथ इफ़ यू ड्रिंक अल्कोहल, ड्रिंक ओनली इन मॉडरेशन, बहुत एक्सट्रीम पे ना जाए. बट आई सजेस्ट यू कि अगर आप अल्कोहल अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. उसी के साथ साथ गेट एडिक्वेट स्लीप. मिनिमम 7 घंटे की स्लीप आपको एट अ स्ट्रेच एक साथ मिलनी चाहिए. वेल नेक्स्ट पॉइंट है टेक लेस स्ट्रेस. टेंशन स्ट्रेस को अभी थोड़े दिन के लिए दूर कर दें. उसी के साथ टेक स्टेप्स टू अवॉइड इन्फेक्शन, जैसे कि हाथ हमेशा ऑन अ रेगुलर बेसिस धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें. उसी के साथ साथ अवॉइड हाफ कुक्ड नॉनवेज फूड. तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं. सो गाइस दिस इज अ रैप अप टाइम. आई विल सी यू टुमारो इन डे 19. वेल अगर आप डे 1 से रेगुलर हैं तो आपको आपके बॉडी में डिफरेंस दिखना शुरू हो गया होगा. मोर 3 डेज टू गो, गिव योर 100%. आई विल सी यू टुमारो. और गाइज अगर आपको ये फिटनेस कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें. इनफैक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो भी कर सकते हैं और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर फिटनेस कॉन्टेंट. टिल देन अपना ख्याल रखें. बाय बाय.